बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनका बताएं इसमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो इसमें हमारे पास ब्रैकेट है 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज की है, ठीक है। यानी इसमें हम करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मेथड से। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ये सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। 16 को 4 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ये हमारे पास इसकी जगह पे 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 एस टी आ गया। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यानी 2 टू द 4, यानी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड लेंगे, अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये 16 एस टी आ जाएगा, तो 16 को 2 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, 16। यानी 16 को 2 से डिवाइड करने में हमारे पास क्या आएगा, 8। यानी 2 8 था 16, हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया था, 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आया 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ये हमारे पास क्या होगा, सो इज़ फॉल्स। यानी ये आपस में, जबकि उन्होंने कहा ये इक्वल है, जबकि ये इक्वल नहीं है, सो ये क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड ली, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, 34 एस टीज आ गए। 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, 120। इसी तरह राइट हैंड साइड ली, ब्रैकेट को पहले सोल्व किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 20, और 6 एस टीज आ गए। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, 120। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इज़ ट्रू, सो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। जस्ट हमने आगे अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना, आगे अगर ट्रू है तो ट्रू लिख देंगे, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड ली, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ना हो तो फिर डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। यानी हम ऐसे याद रख लेते हैं, BDMAS, बी फॉर ब्रैकेट, डी फॉर डिवीजन, और उसके बाद ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, 12, और 1 एस टीज आ गया, 12 और 1 हमारे पास कितने हो गए, 30। अब हमने राइट हैंड साइड ली, वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, 3 5 का 15। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, 30, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 15। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड ली, हमें पता है ब्रैकेट के बाद डिवीजन होती है, अब इसमें ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम इसमें डिवीजन करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 तो 10 होता है, तो क्या आ गया हमारे पास, 5, ठीक है। 20 एस टीज आ गए, 20 प्लस 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 25, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड ली, वो क्या है, 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, 2 1 2 2 5 15। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया था, 25, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 15। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इसे ये फिर क्या होना था, ट्रू। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, सो ये क्या होंगे, ये नॉट इक्वल टू, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो ये क्या होंगे, फॉल्स। उसके बाद है पार्ट नंबर 5, 5 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड ली, 5 को 0 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी। वैसे जस्ट इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 0 है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास 5 है, 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है।
यानी ये ज़ीरो के इक्वल है, ये फाइव के इक्वल है, सो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो ये क्या होंगे पाँच। उसके बाद पार्ट नंबर सिक्स है, ज़ीरो डिवाइडेड बाई फोर इक्वल ज़ीरो। लेफ्ट हैंड साइड ने ज़ीरो को डिवाइड किससे किया, फोर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो। राइट हैंड साइड ने हमारे पास ज़ीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू। उसके बाद पार्ट नंबर सेवन है, फाइव डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू वन। लेफ्ट हैंड साइड ने फाइव को फाइव से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया वन, फाइव वन था फाइव होता है तो वन आ गया। राइट हैंड साइड नहीं, वो हमारे पास वन के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सो ये हमारे पास क्या होगा इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर एट, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर, फोर थ्री ना ट्वेल्व, तो हमारे पास क्या आ गया थ्री। राइट हैंड साइड ली फोर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, इसको हम लिख लेंगे फोर ओवर ट्वेल्व, फोर वन द फोर और फोर थ्री द ट्वेल्व, फोर वन द फोर और फोर थ्री द ट्वेल्व, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा वन ओवर थ्री, जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थ्री है और राइट हैंड साइड क्या है वन ओवर थ्री, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स, ठीक है, सही है, ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।